नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नामदेव। आप देख रहे हैं नामदेव जी टेक्निकल। दोस्तों आजकल हनीगेन पे एक प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग उसको फेस कर रहे हैं, स्लो अर्निंग की। आप लोग हनीगेन अगर यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और आपकी अर्निंग अचानक से स्लो हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मेरी भी अर्निंग काफ़ी स्लो हो गई है और बल्कि मैंने 222 लोगों को रेफ़र कर चुका है। आप देख सकते हैं मैं 222 लोगों को रेफ़र कर चुका हूँ, उसके बावजूद मेरी अर्निंग स्लो हो गई है। तो इसका एक दोस्तों रीज़न है, वो मुझे पता चला है, तो वही रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मोबाइल में हनीगेन में उन्होंने सेटिंग में जो है कुछ छेड़छाड़ कर दी होती है या फिर कुछ चेंजेस हो गए होते हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्निंग जो है स्लो हो गई होती है। तो आपको बस एक छोटी सी सेटिंग में चेंजेस कर लेने हैं या फिर आपको वेरीफाई कर लेना है, जो सेटिंग मैं आपको दिखाऊंगा वही है कि नहीं, सेम एज इट इज़ वही सेटिंग आप लोग रख लेना, आपकी अर्निंग जो है थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी तो हम सिर्फ एक सेटिंग में चेंजेस करने का तरीका बताएंगे, वो सेटिंग में चेंज करके आप किस प्रकार से अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। इसके बाद कल हमारे चैनल पे एक ऐसा वीडियो आने वाला है जिसमें हम आपको एक इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे अर्निंग को 3 गुना बढ़ाने का। तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहो, बने रहो। अगर आप नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी दबा देना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब हम कल वो वाला वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वो बहुत ही धांसू वीडियो होने वाला है, उस वीडियो को देख के आप अपने हनीगेन पे 3 गुना से 4 गुना तक अर्निंग कर सकते हो। तो वापस आते हैं मेन मुद्दे पे। तो आपको जाना है हनीगेन में, मेन इंटरफेस के बाजू में आपको दिखाई देगा, होम के बाजू में आपको दिखाई देगा मोर, आपको मोर पे क्लिक कर लेना। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यूज़ मोबाइल डेटा, सेकेंड वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हनीगेन, अगर आप लोग मोबाइल डेटा से इंटरनेट चलाते हैं तो आपको यहाँ पे टिक रखना है, ठीक है। और अगर आप अपना मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हो, जिस टाइम पे आप अपना मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट करते हो, आपको ये वाले टिक को हटा देना पड़ता है, आपको यूज़ मोबाइल डेटा डिसेबल कर देना पड़ता है। अभी बहुत सारे लोग, मैं भी इनफैक्ट यही गलती करता था, जब मैं वाईफाई से हनीगेन चलाता था तो मैं इसको डिसेबल ही नहीं करता था, ये वाला ऑप्शन मेरा ऐसे ही रहता था, ठीक है, यूज़ मोबाइल डेटा हमेशा ऑन रहता था। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। अगर आप वाईफाई से मोबाइल चलाते हो, वाईफाई से नेटवर्क से अगर आप नेट चलाते हो, तो आपको ये यहाँ पे डिसेबल करना पड़ेगा, और मोबाइल से चलाओगे तो आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके नीचे दोस्तों आप नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शन आप देख लो, शेयर इंटरनेट एंड अर्न, ये हमें हमेशा ऑन रखना है, चाहे वाईफाई हो चाहे मोबाइल डेटा हो। उसके बाद हमें सेट मोबाइल डेटा लिमिट, हमेशा इसको ऑफ रखना है। अलाउ यूजेज ऑन बैटरी, इसको भी ऑन रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिखेंगे, डिसेबल बैटरी सेविंग, इसको भी हमें ओके रखना है। उसके बाद स्टार्ट व्हेन डिवाइस बूट्स, जब हमारे मोबाइल चालू होता है उसके बाद से हमारा ये हनीगेन ऑन हो सकता है उस केस में, इसको भी ऑन रखना है। अभी क्लोज ऐप, ये जो क्लोज ऐप है ना, क्लोज ऐप पे क्लिक करके आप कभी कन्फर्म पे क्लिक मत करना, ये आपको उस ऑप्शन में जाने नहीं है, क्लोज ऐप पे जाने ही नहीं है, ठीक है। बाई चांस अगर आपने कभी गलती से क्लिक भी कर दिया, आपको सिंपल से इसको कैंसिल कर देना है, बस आपको यही सेटिंग रखना है, ठीक है। सेटिंग आपको चेंज करना पड़ेगा समय समय पे, अगर आप वाईफाई चलाते हो तो इसको डिसेबल कर दिया, मोबाइल चलाते हो तो ऑन कर दिया, बस आप ये यूज़ करते रहो ध्यान से। और आप देख सकते हैं दोस्तों, बस आपको इस सेटिंग को ध्यान से देखना है, फिर आपका अर्निंग बूस्ट हो जाएगा। और एक बात और ध्यान से आपको दोस्तों समझना पड़ेगा, जब भी आप हनीगेन को ऑन करके आप जब मोबाइल चलाते हो, कई बार क्या होता है कि आप जो भी आपके जो बैकग्राउंड में जो रनिंग में एप्लीकेशन चल रहे होते हैं, आप लोग ऐसे होम पे क्लिक करके सारे क्लोज़ कर देते हो, ऐसे करके आप क्लोज़ कर देते हो, ठीक है। तो आपको दोस्तों हनीगेन वाला एप्लीकेशन कभी क्लोज़ नहीं करना है, जब भी आप अगर बैकग्राउंड के रनिंग एप्लीकेशन आप अगर हटा रहे हो तो हनीगेन को मत हटाइए, हनीगेन हटाओगे तो यहाँ से भी बंद हो जाएगा जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। बस आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, सेटिंग में ध्यान रखना है और ये जो बैकग्राउंड का जो रनिंग का मैंने बताया, हनीगेन को रनिंग में हमेशा इसको रखते रहो, ऑन रखो और रखे रहो, आपका अर्निंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार हनीगेन हमें बहुत अच्छा क्रेडिट डे बाई डे दे रहा है। बस ये एक छोटी सी सेटिंग थी, इसको मैंने आपको बता दिया है। अगर इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखना। अगर आप लोग नए हो इस वीडियो पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारे उस नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।